अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मशक नंबर 7.3 का सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11 का पहला जुज हल करेंगे। चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 10 है, अगर कोसिकन थीटा बराबर है 13/12 के और सीकन थीटा मुस्बत हो तो बाकी त्रिकोणियाती तफाइल की कीमत मालूम करें। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। और इस सवाल में हमें दिया गया है कोसिकन थीटा बराबर है 13/12 के, और इसके साथ साथ हमें जो दूसरी मालूमात दी गई है वो है सीकन थीटा मुस्बत है। तो सबसे पहले हम जाविया का तयन करेंगे कि जो हमारे पास थीटा जाविया है वो किस रबा में मौजूद है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो कोसिकन थीटा है इसकी जो कीमत हमें दी गई है वो मुस्बत कीमत दी गई है। तो अगर हम कोसिकेंट की बात करें तो कोसिकेंट एक तो पहले रबा में मुस्बत होता है और एक ये दूसरे रबा में मुस्बत होता है। इसी तरह से जो दूसरी मालूमात हमें दी गई है इसमें हमें दिया गया है सीकेंट थीटा मुस्बत है। तो सीकेंट एक तो पहले रबा में मुस्बत होता है और एक ये चौथे रबा में मुस्बत होता है। तो दोनों में अगर हम मुश्तरक रबा देखें तो वो है रबा नंबर 1। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो थीटा जाविया है वो पहले रबा में मौजूद है। तो पहले रबा और कोसिकेंट की कीमत के मुताबिक जो है वो हम इसकी शक्ल बनाते हैं। तो ये हमने दी गई कीमत के मुताबिक जो है वो पहले रबा में इसकी शक्ल बना ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके रासों को नाम देते हैं। तो ये हमारे पास है ए, यहाँ पे हमारे पास आएगा बी, और इसी तरह से ये हमारे पास आएगा सी। और सी पे देखें तो हमारे पास कायमा जाविया बन रहा है, इसी तरह से इसके इजला को भी हम नाम देते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा ए, जो कि हमारे पास इस कायमा तो जाविया मुसलस का कायदा है। इसी तरह से ये हमारे पास आएगा बी, और बी की कीमत हमारे पास बनेगी 12। और इसी तरह से ये हमारे पास ज़िला बनेगा सी, और सी की कीमत हमारे पास है 13। और ये हमारे पास वितर है और ये हमारे पास इसका अमूद है। तो सबसे पहले हम मसला फीसागोरस की मदद से इसका जो ए ज़िला है उसकी कीमत निकालेंगे। तो मसला फीसागोरस की रूह से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, वितर का मुरब्बा जो कि सी है बराबर है कायदा का मुरब्बा जो कि ए है जमा अमूद का मुरब्बा जो कि बी है। तो यहाँ पे हम इन कीमतों को लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। सी की कीमत हमारे पास है 13 का मुरब्बा, ए की कीमत हमने मालूम करनी है और बी की कीमत है 12, ये बनेगा 12 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास जो 13 का मुरब्बा है ये हमारे पास बनेगा 169, और दूसरी जानिब ए का मुरब्बा और 12 का मुरब्बा हमारे पास 144 होता है। 144 को हम बाएं जानिब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 169 नफ़ी 144 बराबर है ए का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो इन नंबरों को हम नफ़ी करेंगे तो नफ़ी करने से बनेगा 25 बराबर है ए का मुरब्बा, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए का मुरब्बा बराबर है 25 के। तो यहाँ से इसका हम तरफैन में लेंगे जज़र ताकि हम ए की कीमत निकाल सकें। तरफैन में जज़र लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ए का मुरब्बा इसका जज़र लेंगे और दूसरी जानिब हम 25 का जज़र लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ए बराबर है 5 के। तो ये हमने ए की कीमत मालूम कर ली है और अब हम जो है वो बाकी त्रिकोणियाती निस्बतों की कीमतों को मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साइन थीटा से, चूँकि हमें कोसिकेंट थीटा की कीमत सवाल में दी गई है तो उसकी मदद से हम साइन थीटा की कीमत मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास जो
त्रिकोणियाती निस्बत साइन है, साइन थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर है 1/कोसेकेंट थीटा। तो यहाँ पे हम कोसेकेंट की कीमत लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा, कोसेकेंट की कीमत हमारे पास है 13/12 के। तो यहाँ से हम इस कीमत का लेंगे माकूस, तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा बराबर है 12/13। तो ये हमने साइन थीटा की कीमत मालूम कर ली। तो इसके बाद हम निकालेंगे कॉस की कीमत, और अगर हम देखें, चूँकि हमारे पास जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है कायदा बटा वितर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो कायदा है वो a के बराबर है, और इसी तरह से जो वितर है वो c के बराबर है। यहाँ पे हम a और c की कीमतों को लिखते हैं। a की कीमत हमारे पास है 5 जो हमने निकाली थी, तो ये हमारे पास बनेगा cos थीटा बराबर है 5, और c की कीमत हमारे पास है 13। तो ये हमने cos की कीमत भी मालूम कर ली, जो कि आई 5/13 के बराबर। तो कॉस की मदद से हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे, और इसका जो माकूस है वो है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा हमारे पास बनेगा 1/cos थीटा, और यहाँ पे हम कॉस थीटा की कीमत लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट थीटा बराबर है 1/5/13। तो यहाँ से हम 5/13 का माकूस लेंगे, तो माकूस लेने से हमारे पास जो सीकेंट थीटा है इसकी कीमत निकलेगी 13/5 के। तो ये हमने कॉस की मदद से सीकेंट की कीमत भी मालूम कर ली। इसके बाद हम निकालेंगे टैन की कीमत, चूँकि टैन थीटा हमारे पास बराबर होता है, टैन थीटा होता है अमूद बटा कायदा के। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे पास जो अमूद है वो बी के बराबर है, और इसी तरह से हमारे पास जो कायदा है वो ए के बराबर है। तो यहाँ पे हम बी और ए की कीमतों को लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा टैन थीटा बराबर है, बी की कीमत हमारे पास है 12, और इसी तरह से ए की कीमत हमारे पास है 5। तो ये हमारे पास टैन थीटा की कीमत निकल आई 12/5। इसकी मदद से हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे, और इसका माकूस है कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो यहाँ पे हम टैन की कीमत लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा कॉट थीटा बराबर है 1/, और टैन की कीमत है 12/5 के। तो 12/5 का हम माकूस लें, तो हमारे पास बनता है 5/12। तो ये हमारे पास कॉट थीटा की कीमत आएगी 5/12। तो ये हमने टैन की कीमत की मदद से कॉट की कीमत भी निकाल ली, और इसके साथ ही हमारे पास जो सवाल नंबर 10 है उसका हल मुकम्मल हो गया। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 11, और सवाल नंबर 11 है, दी हुई कायमतु जाविया मसलसों में त्रिकोणियाती तफाइल की कीमत मालूम कीजिए। तो इसका हम करते हैं पहला जुज, और पहले जुज में दी गई कायमतु जाविया मसलस को देखते हैं। तो ये हमारे पास जुज नंबर 1 में दी गई कायमतु जाविया मसलस है। तो सबसे पहले हम इसके रासों को नाम देते हैं। तो सबसे पहले इस रास को हम नाम देते हैं ए का, और इसी तरह से ये हमारे पास है बी, और ये हमारे पास है सी के बराबर। तो इनके मुताबिक हम इजला को भी नाम देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा ए, और इसी तरह से ये ज़िला बनेगा हमारे पास बी, और ये ज़िला हमारे पास बनेगा सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे पास ए और सी की कीमत मौजूद है। तो सबसे पहले हम मसला फीसागोरस की मदद से हम बी की कीमत निकालेंगे, और उसके बाद जो है वो हम त्रिकोणियाती निस्बतों की कीमतें मालूम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बी की कीमत निकालते हैं मसला फीसागोरस की रूह से। तो मसला फीसागोरस की रूह से हमारे पास बनता है सी का मुरब्बा, जो कि वितर है, बराबर है ए का मुरब्बा जमा
बी का मुरब्बा। तो यहाँ पे हम कीमतें लिखते हैं सी की और ए की, तो सी की कीमत हमारे पास है 4, तो ये बनेगा 4 का मुरब्बा। और दूसरी जानिब हमारे पास है ए, 3 का मुरब्बा जमा बी, हमारे पास हमने निकालना है तो ये बी का मुरब्बा। इसको यहाँ से मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 16 बराबर है 9 जमा बी का मुरब्बा। 9 को हम लेकर जाते हैं बाएं जानिब तो ये हमारे पास बनेगा 16 नफ़ी 9 बराबर है बी का मुरब्बा। तो 16 में से अगर हम 9 को नफ़ी करें तो हमारे पास आता है 7, 7 बराबर है बी का मुरब्बा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी का मुरब्बा बराबर है 7। तो यहाँ से बी की कीमत निकालने के लिए इसका हम तरफैन में जजर लेंगे। तरफैन में जजर लेने से तो ये हमारे पास बनेगा बी का मुरब्बा और इसका हम लेंगे जजर, और इसी तरह से दूसरी जानिब हम 7 का जजर लेंगे। तो बाएं जानिब हमारे पास बनेगा बी और दाएं जानिब हमारे पास आएगा जजर में 7। तो ये हमने बी की कीमत मालूम कर ली जो कि आई जजर में 7। तो इसके बाद हम जो त्रिकोणियाती नस्बतें हैं उनकी कीमतें मालूम करते हैं, और सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन थीटा से, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटा वितर के। और अपने हमें जो दी गई कायमतो ज़ाविया मुसल्लस है उसमें हमारे पास जो अमूद है वो बी के बराबर है, और इसी तरह से जो वितर है वो सी के बराबर है। तो इसमें हम कीमतों को लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा बराबर है बी की कीमत हमारे पास है जजर में 7, और इसी तरह से सी की कीमत हमारे पास है 4। तो साइन थीटा की कीमत हमारे पास आ गई जजर में 7 बटा 4। तो इसकी मदद से हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे, तो हमारे पास इसका जो माकूस होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा, और जो कोसिकेंट थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे हम इसकी कीमत लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1 बटा जजर में 7 बटा 4। तो यहाँ पे जजर में 7 बटा 4 का हम माकूस लेंगे तो माकूस लेने से हमारे पास कोसिकेंट थीटा की कीमत निकल आएगी, तो कोसिकेंट थीटा की कीमत आएगी 4 बटा जजर में 7। तो ये हमने कोसिकेंट थीटा की कीमत निकाल ली। इसके बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा की कीमत। हमारे पास जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर होता है कायदा बटा वितर के। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास कायदा ए के बराबर है और वितर सी के बराबर है, तो यहाँ पे हम ए और सी की कीमतों को लिखेंगे। ए की कीमत हमारे पास है 3, और इसी तरह से जो सी है जो कि वितर है उसकी कीमत है 4। तो ये हमारे पास कॉस थीटा की कीमत निकल आई 3 बटा 4। इसकी मदद से हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे, चूँकि कॉस थीटा का जो माकूस होता है वो सीकेंट थीटा होता है, और सीकेंट थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और यहाँ पे हम कॉस थीटा की कीमत लिखते हैं ये हमारे पास है 3 बटा 4 के। तो ये हमारे पास बनेगा 1 बटा 3 बटा 4। तो यहाँ पे हम 3 बटा 4 का माकूस लेंगे तो हमारे पास सीकेंट थीटा की कीमत आ जाएगी, तो सीकेंट थीटा बराबर है 4 बटा 3 के। तो ये हमने सीकेंट थीटा की कीमत भी मालूम कर ली जो कि आई 4 बटा 3 के। इसके बाद हम निकालते हैं टैन थीटा की कीमत, और सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास जो टैन थीटा है, टैन थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा के। तो यहाँ पे अगर हम देखें अमूद हमारे पास है बी, और इसी तरह से जो कायदा है वो ए के बराबर है। तो यहाँ पर हम कीमतें लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, यहाँ पे हमारे पास जो b है, b की कीमत हमारे पास है जजर में 7, और इसी तरह से अगर हम a की बात करें तो a की कीमत हमारे पास है 3। तो ये हमारे पास tan थीटा की
कीमत आ गई जो कि जज़र में 7/3 है। तो इसकी मदद से हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे। टैन का जो माकूस है वो होता है कॉट, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan θ। और यहाँ पे हम टैन की कीमत लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/7/3। तो यहाँ पे हम जज़र में 7/3 का लेंगे माकूस, तो माकूस लेने से हमारे पास कॉट थीटा की कीमत आ जाएगी 3/7। तो ये हमने कॉट थीटा की कीमत भी मालूम कर ली। इसके साथ ही हमारे पास सवाल नंबर 11 का जुज नंबर 1 मुकम्मल तौर पर हल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 7.3 का सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11 का पहला जुज हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।